हाय गाइस नमस्कार, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों एक नए वीडियो में। अभी दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है उसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रहा है, और काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। उसका होता यह है कि स्कूलों से उनको पिक्चर खींच के, जिस मोबाइल से पिक्चर खींच के और भेजा जाता है, क्वेश्चन आंसर हो गया या और भी बुक से जो है शब्दार्थ हो गया, यह सब सारी चीज़ें भेजा जाता है। अधिकतर बच्चे बुक्स खरीद चुके हैं, अब उन लोगों को बुक से जितने भी मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है वो तो उन लोग के पास है ही, लेकिन जैसे क्वेश्चन आंसर हो गए, टीचर जो बना के देते हैं वो फोटो खींचते हैं, और या तो उनका कोई अपना जो है वो एक कोई ऐप खरीद लिए हैं जिसके द्वारा उसको सेंड करते हैं, या फिर व्हाट्सअप हो गया इसके द्वारा सेंड करते हैं, किसी माध्यम से मोबाइल में वो सेंड कर देते हैं उस पिक्चर को। और प्रॉब्लम यह है कि वो पिक्चर जो है क्लियर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है क्योंकि अब हर कोई ऐसा हमको महसूस लगता है कि फोटो खींचना बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। कई बार जो होता है कि फोटो खींचने में क्लियरिटी नहीं आती है, कई बार तो मोबाइल जो है उतना हाई पावर का मोबाइल नहीं होता है, उसका कैमरा इतना क्लियरिटी नहीं देती है, तो उसके वजह से भी पिक्चर क्लियर नहीं आता। इसके अलावा खींचने वाले पर डिपेंड करता है, वो जिस हिसाब से खींचता है पिक्चर को, वो जो है थोड़ा भी अगर हिल गया मोबाइल खींचने के दौरान, अगर हिल जाता है तो उसमें क्या होता है कि पिक्चर आपका क्लियर नहीं आएगा। जैसे आप ये मोबाइल लिए और जब खींचते हैं उस समय टच करते हैं, जब ये टच करते हैं इस तरह से, उस समय ही मोबाइल हिलता है, और उस समय जब मोबाइल हिलेगा उस समय पिक्चर खराब हो जाता है। कई पिक्चर क्लियर होते हैं लेकिन कई पिक्चर खराब हो जाते हैं, और टीचर उसको चेक नहीं करते हैं कि वो पिक्चर सही आया कि नहीं आया, उसको डायरेक्ट सेंड कर देते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैं क्यों जानता हूँ ये, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जब स्कूल से वहाँ से पिक्चर आता है और बच्चे अपने मोबाइल में दिखाते हैं मुझे कि सर ये पिक्चर आया हुआ है, और जब मैं उसको देखता हूँ तो उसमें तो क्या लिखा हुआ है वो पता ही नहीं चलता है, बच्चे परेशान, मैं भी परेशान, मैं उसको कहाँ से उसको दिखला सकता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिक्चर कैसे खींचेंगे, तो इसके बारे में बतलाऊँगा। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं, और मैं यहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के कैमरे से सही प्रकार से साफ क्लियर फ़ोटो आप कैसे खींच सकेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आप यहां पे देखिए फाइल मैनेजर में मैंने कितने सारे फ़ोटो खींचे हैं, ये देखिए, ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5, आप इसमें से किसी को खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि इसमें से हम इंग्लिश ले लेते हैं, और इंग्लिश ये PDF फाइल मैंने बना दिया है, तो इसमें से इसको ओपन करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इतने सारे जो पिक्चर यहाँ PDF फाइल में बना हुआ है, तो ये सारे पिक्चर मैंने मोबाइल से इसको पहले पिक्चर खींचा, उसके बाद इसको एक साथ PDF फाइल में चेंज कर दिया, और ये पूरा बुक जो है वो PDF फाइल में बन गया। तो मैंने इतने सारे पिक्चर खींचे हैं, इसीलिए मैं मुझे इसका एक्सपीरियंस है। आप लोग जानते होंगे कि जो जिस काम को जितना ज़्यादा करता है उसके पास उस काम का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा होता है, तो मैंने इतने सारे पिक्चर खींचे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप क्लियर पिक्चर कैसे खींच सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें लगभग सब कुछ क्लियर है, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है इस तरह से। और ये पिक्चर मैंने कैसे लिए हैं इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारे पिक्चर मैंने मोबाइल के कैमरा से लिया है। क्लियर पिक्चर खींचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मोबाइल एक अच्छे कीमत का मोबाइल हो, जिसका कैमरा सही क्लियरिटी देता हो, तभी वो सही क्लियर पिक्चर आ सकेगा। अदरवाइज़ फिर अगर कैमरा सही पावर का नहीं रहेगा तो फिर क्लियर पिक्चर किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। पहले आप चेक कर लेंगे कि जो मोबाइल आपके पास है उसका कैमरा सही पिक्चर दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर सही पिक्चर दे रहा है तो आपको सावधानीपूर्वक ठीक से खींचना होगा, तभी जो है आप सही पिक्चर खींच पाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा सेटिंग करना है, तो इसके लिए पहले हम लोगों को कैमरा ओपन करना होगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये कैमरा ओपन हो गया, और कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ ये है 2 सेकेंड, ये जो टाइमर है आप देख रहे हैं टाइमर ऑफ़, मैंने टाइमर ऑफ़ नहीं रखा है, ये टाइमर को मैंने 2 सेकेंड पे रखा है। ये कम से कम समय लेगा, क्योंकि जिस समय हम लोग उंगली से दबाते हैं मोबाइल को उस समय मोबाइल हिलता है, उस समय पिक्चर भी खिंचाता है, दोनों एक ही साथ होता है, इसीलिए पिक्चर ख़राब होने की अत्यधिक संभावना होता है। तो इसीलिए मैंने इसको टाइमर ऑन करके और 2 सेकेंड पे लगा दिया है। जब आप पिक्चर खींचने के लिए कैमरा को टच करते हैं तो उसके ठीक 2 सेकेंड बाद वो पिक्चर कैप्चर होता है कैमरा में, तब तक जो है आपको अपने मोबाइल को बिल्कुल हिलाए बिना अपने हाथों से पकड़ के रखना होता है। तो आइए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ पिक्चर्स खींच के दिखाता हूँ।
मोबाइल को मैं अपने हाथों में उठा लेता हूँ, आप देख रहे होंगे एक बुक है मेरे पास और इसका पिक्चर अगर हम लेते हैं तो आप पहले देख लीजिए कि कैमरा जो है वो सही फोकस करेगा, उसके बाद आपको पिक्चर लेना है। ये देखिए अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो हम इसको अब खींच सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हाथ हिलेगा ही, लेकिन फिर भी आप जितना संभव हो आप उसको मूव ना होने दीजिए, आप अपने हाथों को हिलने ना दीजिए जितना संभव हो। अब जो है इसको आसानी से खींचा जा सकता है। ये देखिए सेकंड चल रहा है, ये तो इसका जो पिक्चर आया उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये पिक्चर है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्लियर होगा। ये देखिए आसानी से इसको कोई भी पढ़ सकता है, और अगर हम टाइमर नहीं लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में पिक्चर ख़राब होने की संभावना है। इसको हम लोग बैक चले जाते हैं और टाइमर ऑफ़ कर देते हैं, ये टाइमर हो गया ऑफ़। अब हम इसको खींचते हैं, पहले जो है कैमरा वो अपना सही फोकस करेगा, उसके बाद आपको लेना। जैसे कि ये धुंधला आ रहा है तो इसको थोड़ा सा तिरछा करने से ये सही हो सकता है। देखिए ये ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे आप जी देखिए ये भी ठीक ही होगा क्योंकि मैंने हिलने नहीं दिया इसे, काफ़ी पकड़ के रखा है। लेकिन फिर भी जो है आप देख रहे हैं इसका क्वालिटी थोड़ा सा उससे क्वालिटी इसका उतना अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कैमरा जितना नहीं हिलेगा उतना ही पिक्चर क्लियर आएगा, और उसके लिए क्या किया जाता है। आप लोग कभी स्टूडियो में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडियो में जो कैमरा होता है उसको लगा के रखते हैं, ट्राइपोड जो वहाँ पे होता है उस ट्राइपोड में लगा के रखते हैं। इस तरह से आपको ये देखिए इस तरह से ट्राइपोड में कैमरा को लगा के रखते हैं ताकि कैमरा खींचने के दौरान हिले नहीं और पिक्चर सही आए। तो इसका मुख्य कारण यही होता है, और इसके अलावा ऊँचाई उसका सही हो ये डिपेंड करता है। और स्टूडियो में कैमरा ट्राइपोड होता है, इसके अलावा लाइट का ट्राइपोड होता है। अंत में मैं एक बार और दोहरा देना चाहता हूं कि क्लियर पिक्चर खींचने के लिए आपके पास सही मोबाइल होना चाहिए जिसका कैमरा की क्लियरिटी सही होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने कैमरा में 2 सेकेंड का टाइमर सेट कर दीजिए, और मोबाइल से पिक्चर खींचने के दौरान आप अपने मोबाइल को कम से कम हिलने दीजिए, या ना हिले तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से आप एक सही पिक्चर खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह का यूजफुल वीडियो फिर से मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।